गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल। होप करता हूँ सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, फिट होगे। तो यार थोड़ी सी ठंडियाँ चल रही हैं और बढ़ गई हैं, तो उसके वजह से कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही है और कुछ मीठा खाने का मन है, डिजर्ट। तो मन में ख्याल आया है क्यों ना घर में पड़े हुए इंग्रेडिएंट से कुछ बनाया जाए। तो आज हम लोग जा रहे हैं बनाने, वो है हमारा देसी घी और आटे का हलवा। तो चलिए फटाफट बनाते हैं और दिखाते हैं। हाँ तो भाई, अपने पास कुछ मेवे पड़े थे तो उनको भी ले लिए हैं, इनको भी डाल देंगे तो थोड़ा टेस्टी हो जाएगा। इनको थोड़ा सा हल्का हल्का चॉप्ड कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद दिखाते हैं क्या करते हैं। कढ़ाई अपनी रख गई है, उसके बाद फटाफट दिखाते हैं और क्या करते हैं। हाँ तो भाई, कढ़ाई में देखो घी डल गए हैं और ये अपने चॉप्ड हो गए, आटा अपना रेडी है। तो अब इसको थोड़ा सा कर देते हैं तो मीडियम फ्लेम पर और धीरे धीरे फ्लेम पर इसको डाल के भूनेंगे। तो अब फटाफट डालते हैं इसको। तो भाई देखो, आटा डल गया है और अब देखो क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके इसको भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हमारा ना हो जाए, मतलब कि पीनट बटर जिस कलर का होता है उस कलर तक। तो ये अच्छे से आटा हमारा, समझ लीजिए उस कलर का हो गया तो पक गया। इसको अब धीरे धीरे एकदम लो फ्लेम पे करके भून रहे हैं, भून लेते हैं फिर दिखाते हैं अगला प्रोसेस क्या है। देखिए ये थोड़ा सा रेडिश कलर में हो गया, हल्का गोल्डन ब्राउन में, और ये हमारा रेडी हो चुका है। यही वो टाइम है जब हम इसमें डालेंगे चीनी और अपने मेवे। अब इसको ऐड करते हैं फटाफट। हाँ तो भाई, मेवा और चीनी दोनों इसमें ऐड हो गया है हमारा। अपने टेस्ट के हिसाब से आप और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं जो आप चाहें। और अभी फिलहाल मेरे पास यही सब है। और ये मत सोचिए कि इसमें घी नहीं है, घी इसमें प्रॉपर है, पूरा आटा सोख लिया है। अब थोड़ा सा हल्का सा चीनी को भून ले ताकि ये थोड़ा कैरमलाइज हो जाए। बस इसके बाद इसमें ऐड होगा पानी, पानी डालेंगे और हमारा हलवा एकदम रेडी। अब दिखाते हैं आपको फाइनल। हाँ तो भैया, रेडी हो गया है और ये प्लेट में निकल गया। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलने फटाफट खाने। हाँ तो भाई लोग, शाम का वक्त है और लखनऊ की खूबसूरत शाम, निकल चुके हैं जिम जाने के लिए। लेकिन जिम जाने से पहले हमको कल निकलना है घर, तो सबसे पहला काम कर रहे हैं कि लखनऊ की बहुत ही फेमस रेवड़ियाँ और गजक, उनको खरीदने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लखनऊ की शाम पे आपको VIP रोड पे है, और ये है हमारे बगल में आपका इको गार्डन और हाथी पार्क जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। कभी टाइम मिलेगा तो इनके ब्लॉग भी ज़रूर बनाऊँगा और डालूँगा। तो फटाफट चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक ऐसी दुकान जो सन 1950 से हमारे रेवड़ी और गजक बनाने का काम करते हैं, वह बेचने का काम करते हैं। तो गुरुद्वारे वाली गली, गुरुद्वारे वाला मार्केट, वहां चलते हैं और फटाफट आपको दिखाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी दुकान, पूरा मार्केट। भैया देखिए, ये हमारे गजक है और ये हमारे पापा जी हैं। बहुत ही खूबसूरत दुकान इनकी। पैकेट कर दीजिए, हाँ जी, एक पैकेट कर दीजिए, छोटी दे दीजिए दो देने के लिए। So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me. Respectfully, you can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. हाँ तो गाइस, चलते हैं, छुट्टियाँ शुरू, टाटा बाय बाय।